बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ, गद्य पाठे बड़े भाई साहब। ये पैराग्राफ जहाँ से मैंने शुरू किया है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स के लिए लिख दिया है कि सालाना इम्तहान हुआ। उसके पहले की थोड़ी सी सिचुएशन को मैं आपको समझा दूँ कि छोटा भाई यानी लेखक बड़े भाई की हर बात सुनता था, हर बात समझता था, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे बातें सुननी पड़ती थी बड़े भाई की। क्योंकि बड़ा भाई ये जानता था कि अगर ये ऐसे ही खेले कूदेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, और दादा की गाड़ी कमाई के पैसों से वे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तो बड़े भाई ने ये डर डाला था कि पढ़ाई लिखाई इतनी आसान नहीं है, और अंग्रेजी पढ़ना तो बिल्कुल आसान नहीं है। इस तरह पढ़ोगे तो कई सालों तक पढ़ते रहोगे फिर भी कुछ ना आएगा। तो वो समझाते हैं और हर बार लताड़ सुन के जो छोटा भाई लेखक आंसू बहाता है, टाइमटेबल बनाता है और कहता है कि अब आज के बाद मैं नियम से पढ़ाई करूँगा, परंतु वो उससे नहीं हो पाता। और जैसे जैसे वो खेल कूद के मैदान उसके आँखों के सामने आते, वो पढ़ाई को कुछ देर के बाद भूल जाता। और देखते देखते सालाना इम्तिहान हो गया, भाई साहब फिर फेल हो गए, मैं पास हो गया, मैं मतलब लेखक, और दर्जे में प्रथम आया। अब सालाना इम्तिहान का जो नतीजा था वो आ गया। नतीजा ये था कि भाई साहब फेल हो गए और लेखक दर्जे में यानी कक्षा में प्रथम आ गया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब बड़े भाई के फेल होने के कारण छोटे भाई के कक्षा में 2 साल का अंतर मात्र रह गया। अब छोटा भाई चिढ़ता था कि हर समय मैं बड़े भाई से लताड़ सुनता हूँ, वो मुझे हर समय डांटते रहते हैं पढ़ने लिखने के लिए, खेलने नहीं देते, चोरी छुपे वो खेलते थे। तो उन्हें लगा, भाई लेखक को लगता है कि जब रिजल्ट निकला, परीक्षा परिणाम आया, तो उसे लगता है कि आज वो बड़े भाई को आड़े हाथों ले लेगा, तुरंत का तुरंत समझाएगा कि आपकी घोर तपस्या का क्या नतीजा है। और मेरे और अपने को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं मजे से खेलता हूँ, दर्जे में अव्वल आता हूँ, आप रात दिन आंखें फोड़ते हैं, उदास रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन लेखक ही सिर्फ सोचता है, कह नहीं पाता। संस्कार और जो एक बड़े भाई का ओहदा था उसके चलते उसके मन में जो सम्मान था बड़े भाई के प्रति, वो इस बात को कह नहीं पाता कि आपके आंख फोड़ू पढ़ाई का क्या परिणाम है। दुख भी होता है, दुख इसलिए होता है कि वो खुद पास हो गया, लेकिन पास होने की खुशी नहीं मना सकता। पास होने की खुशी वो कैसे मनाएगा? बड़ा भाई फेल हो गया है और उसे ये लगता है कि बस किसी भी तरीके से बस पास होना हो गया। छोटे भाई को भी उसकी खुशी नहीं होती है, बल्कि हमदर्दी उल्टे हो रही है बड़े भाई के प्रति। और कुछ बोलना इसने इसलिए नहीं चाहता था कि वही घाव पे नमक छिड़कने जैसा लगेगा और कष्ट बढ़ जाएगा। तो वो चाह के भी कुछ नहीं कह पाता है। अब उनका रोब जो पहला था, भाई साहब का जो पहले रोब था छोटे भाई पर, वो धीरे से कम हो गया। कम होना स्वाभाविक भी है, छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ जाता है, बड़ा भाई चाह के भी पास नहीं हो पाता, आंख फोड़ू पढ़ाई करता है फिर भी उसे परीक्षा के परिणाम नहीं मिलते, तो वो किस मुंह से कहेगा। तो रोब उनका कुछ कम हो जाता है। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। छोटे भाई को लगने लगा कि अब तो वो आसानी से खेल कूदे खेलेगा कूदेगा, तो भी बड़े भाई को बोलने की हिम्मत नहीं है, और उसका धीरे धीरे दिल जो था वो मजबूत हो गया।
अगर उन्होंने मेरी फजीहत की, अब उनके मन में आता है लेखक के कि अगर अब बड़ा भाई मुझे डांटेगा तो मैं साफ साफ उनसे बातें करूंगा कि आपने खून जला के क्या पाया, कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। तो लेखक इन सब बातों को सोचता है, हेकड़ी जताने के लिए मन में सोचता तो जरूर है, पर उसका अंदर से साहस नहीं होता कि वो बड़े भाई को हेकड़ी जताने के लिए कुछ कहे। भाई साहब ने भाप लिया, उसकी महज उसके महज स्वभाव को और सहज बुद्धि तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे के भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, अब लेखक धीरे धीरे मनमानी तो करने ही लगा, क्योंकि वो कक्षा में अव्वल आता था और कक्षा में अव्वल आने की वजह से उसकी मनमानियां भी बढ़ने लगी। तो एक दिन उसने भोर से ही गुल्ली डंडा खेलना शुरू किया और दोपहर बाद लौटा भोजन के समय। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, वो एकदम सोचे थे कि इतने दिन तक मैं कुछ नहीं बोला, उसका ये नतीजा है कि सुबह का निकला शाम को खेल कर लौटा है, बस उन्होंने आओ देखा न ताओ और टूट पड़े उनके ऊपर और सुनाना शुरू कर दिए कि इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें तुम्हारा दिमाग बढ़ गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो बड़े भाई ने कहा कि तुम घमंड मत करो कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, कक्षा में अव्वल आ रहे हो तो तुम सबसे बड़े 30 मार्क हाँ हो गए हो, बड़े बड़ों का घमंड तो चला ही नहीं, तुम्हारा क्या चलेगा, ज्यादा मनमानी करोगे तो उसी कक्षा में रह जाओगे, तो तुम्हारी क्या हस्ती है। फिर उन्होंने रावण का उदाहरण दिया कि रावण का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा कि असली चीज जो बुद्धि का विकास है वो परिश्रम करने से ही आता है, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण जो रहता है पूरे भूमंडल का स्वामी रहता है, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा भी कहते हैं। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार तो बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, संसार के अनेक राष्ट्र बिल्कुल स्वाधीन हैं, रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। तो उन्होंने बताया कि जब रावण चक्रवर्ती राजा होकर के उसके घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया, सोने की लंका जल गई, एक लख पूत सवा लख ना की, तेह रावण घर दिया न बाती, इतना सब होते हुए सारी सेना एक मूर्खता के कारण खत्म हो गई। मगर उनका अंत कैसा हुआ सब जानते हैं, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। बड़ा भाई कहता है जिस दिन मनुष्य को अभिमान हो जाता है उसी दिन से उसके पतन का रास्ता जो रहता है वो खुल जाता है। बड़े बड़ों का अभिमान नहीं टिका, तो अगर अभिमान किया तो पतन का रास्ता स्वतः खुल जाएगा, अभिमान नहीं किया और तो दीन दुनिया दोनों से गया, यानी अभिमान नहीं करेगा तो इस दुनिया से चला जाएगा। फिर उन्होंने तमाम ऐसे पाठ में उदाहरण दिए, शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे भी अभिमान हुआ था, ईश्वर का सबसे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकल दिया गया, शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया, तुमने तो भी केवल एक दर्जा पास किया है। तब बड़े भाई ने छोटे भाई को, बड़े भाई ने लेखक को तमाम उदाहरणों को देकर ये बताया कि एक दर्जा पास करने पे तुम्हें घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, तुम
तुमको मैंने तमाम उदाहरण सुनाया, शैतान का, रावण का, शाहरुम का। तो तुम खुद समझ सकते हो कि घमंड मनुष्य को कहाँ ले जाता है। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हो, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं थी कि तुम कक्षा में अव्वल आ जाते। ये कहो कि अंधेरे में तीर मारते मारते अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगी। उन्होंने कहा कि और ये बटेर भी बार बार हाथ नहीं लगेगी, कभी ना कभी तो तुमको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन इसके मतलब ये थोड़े कि वो सफल खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर गुल्ली डंडा खेलने से अचानक गुल्ली बैठ गई और गुल्ली बहुत दूर चली गई, इसके मतलब ये थोड़े कि वो सफल खिलाड़ी है, ये तो अचानक की चोट है, अंधे के हाथ बटेर इसी को कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई सफल खिलाड़ी हो गया है, सफल खिलाड़ी तो वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। बैट पर अगर बॉल आ गई और अचानक बीच में बैठ गई, छक्का लग गया, लेकिन छक्का लगाने की कोशिश में छक्का नहीं लगा, तो इसके मतलब वो सफल खिलाड़ी नहीं है, उसने अनजाने ही मारा और बैठ गई बॉल। तो ये हुआ अंधेरे में तीर मारना कि योग्यता नहीं है, मगर उस योग्यता को महसूस कर ले। तो वही हुआ कि इन्हें सफल खिलाड़ी नहीं कह सकते, सफल खिलाड़ी तो वह है जिसका कोई भी निशाना खाली न जाए। यानी वास्तव में खिलाड़ी जब ये सोच ले कि मुझे अब की का बार इस तरह से जीतना और वो सफल, तो उसका बार खाली नहीं जाएगा। लेकिन अगर अंधेरे में तीर मारता रहा तो कोई आवश्यक नहीं कि हर बार उसे चीजें प्राप्त ही हो जाएं। फिर देखिए आगे क्या होता है। साथ ही साथ लेखक का बड़ा भाई जब कहता है तो उसे ये भी बताता है कि तुम मेरे फेल होने पे मत जाना, कि अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मैं तुम्हें समझाने लायक नहीं हूँ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारी स्थिति को जानता हूँ कि तुम्हें अगर जरा सा ढीला छोड़ा जाएगा तो तुम बिल्कुल ही मनमानी करने लगोगे। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई कि तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, तब तुम्हें कठिन परिश्रम का पता चलेगा कि कैसे कठिन परिश्रम करने के बाद भी नंबर नहीं आते। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम रखना याद रखना पड़ेगा, तो यह आसान नहीं होता। फिर उन्होंने बताया, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अगर मैं फेल हो गया हूँ तो ये मत जानो कि मैं तुम्हें समझाने लायक नहीं बचा हूँ, मेरे दर्जे तक आते आते तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी, ये जितना परिश्रम करते हो ना उस परिश्रम को करते करते दांतों पसीना आ जाएगा। अलजबरा और ज्योमेट्री के जब लोहे के चने चबाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में परिश्रम किसको कहते हैं। और तो और छोड़ो, बादशाहों के नाम याद रखना होगा वो आसान नहीं है। 8-8 हेनरी हो चुके हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद करना पड़ेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि रात दिन पढ़ते पढ़ते ही कोई याद कर सकता है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिए, सब नंबर गायब। बड़े भाई का मानना ये था कि पढ़ाई लिखाई को जितना आसान तुम ले रहे हो उतना आसान है नहीं। जैसे जैसे आगे की कक्षा में आओगे और पढ़ाई वैसे वैसे कठिन होती चली जाएगी, वैसे वैसे सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी तुम्हें, तब तुम्हारे दांतों तले पसीना आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। जरा सी चूक हुई और सारे नंबर काट दिए जाते हैं, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर मतलब जीरो, कि कभी गुस्से में अध्यापक ने कह दिया कि तुम तो जीरो के लायक नहीं हो।
तो वो जीरो सिफर, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो सिफर भी ना मिलेगा, सारा कुछ सफाचट हो जाएगा। और सिफर भी हो किस ख्याल में, दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम हुए, कौड़ियों चार्ल्स हुए, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी का रोग हो जाता है, आंख में अंधेपन का रोग हो जाता है। इन बड़ा भाई कहता है कि ऐसा इतिहास है कि रटते रटते नाम नहीं याद होते, इन बेचारों को नाम भी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि इन बेचारों को नाम भी नहीं मिले कि किस तरह से नाम रखे जाते हैं। यहाँ पंचम द्वयम स्वयं करके नाम रखे गए थे, नाम नहीं मिला, एक ही नाम के पीछे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ऐसे करके नाम बना लिया गया। तो उन्होंने उसका भी उदाहरण दिया है पाठ में, कहा है कि आंधी रोग हो जाता है, मतलब अंधेपन का रोग हो जाएगा, इन अभागों के नाम भी नहीं जुड़ते, यानी इन्हें नाम भी नहीं मिलते हैं, एक ही नाम के पीछे द्वयम स्वयं चारों। अब इन्होंने कहा कि एक ही नाम के पीछे द्वयम स्वयं चारों लगा करके पंचम लगाते हैं, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। उन्होंने कहा कि वास्तव में एक ही नाम के पीछे पंचम द्वयम स्वयं लगा करके काम कर लेते हैं, हजारों सैकड़ों नाम दुनिया में पड़े हैं लेकिन इसी नाम के पीछे वो काम चलाते हैं। तो लेखक कहता है कि अगर किसी को नाम बताने की स्थिति नहीं थी तो मुझसे पूछे होते तो हजारों करोड़ों नाम मैं बता देता। तो ये चीजें यहाँ पर कही गई हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। अब उन्होंने ज्योमेट्री का उदाहरण दिया कि ज्योमेट्री में कैसे होता है, क ख ग त्रिकोण बनता है, अ ब ज त्रिकोण बनता है। तो उन्होंने पूरी चीजें बताई कि किस तरह से होता है, तो वही उदाहरण दिया, मैं उसे पढ़ती हूँ। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह आ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी लोगों से पूछे कि आखिर अब अजब और अजब में क्या फर्क पड़ता है, तो बड़े भाई को ये समझ ही नहीं आता था कि अब अजब कहे या जब अ कहे क्या फर्क होता है। मतलब तो एक है, उनको इस ज्योमेट्री का ये मतलब समझ में आता था, तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि ये बनाने वाले की ही सारी गलती है, पढ़ाई के लिए इन चीजों को बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी कि अब अज और जब करने से क्या फर्क पड़ जाता। तो उन्होंने यही सारी चीजें बताई कि सब कुछ खाली छात्रों को परेशान करने की चीजें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, छात्रों का खून पीते हैं, दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ। उन्होंने कहा कि दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, मिलना तो सब एक ही जगह है, अब अज कहो या जब कहो। तो उन्होंने यही सब चीजें समझाई कि रखा क्या है इसमें, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। अब परीक्षकों की बड़ाई करते हुए बड़े भाई कहते हैं कि इन परीक्षकों को तो कुछ समझ में आता नहीं, जो पुस्तकों में लिखा है बस उसी को ये अपना सिद्धांत मान लेते हैं और सारी चीजें काट के सिफर रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। तो पुस्तकों में लिखा है लड़के एक एक अक्षर रटते रटते जान निकाल देते हैं, इसी रटंत्र शिक्षा का नाम उन्होंने रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये रटने वाली विद्या है, जितना रटेंगे उतना ही आता है, रटने वाली विद्या है मतलब इसका कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी, जो उन्होंने ऊपर उदाहरण दिए उन उदाहरणों से खुराफात याद करनी पड़ेगी।
कि ये सारी चीजें भी तुम्हें आगे की कक्षा में रटना पड़ेगा। तो तुम ये मत समझो कि पढ़ाई लिखाई एक हंसी खेल है। तो उन्होंने ज्योमेट्री का उदाहरण दिया, उन्होंने इतिहास का उदाहरण दिया, सामाजिक विज्ञान का उदाहरण दिया, ये बताया कि लोगों के नाम इतने होते हैं कि रटते रटते जुबान सूख जाती है और फिर भी नंबर नहीं आते। तो उन्होंने ये भी बताया और बताया कि ज्योमेट्री की ही बात को उन्होंने आगे बताते हुए कहा, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे क्या प्रयोजन। काफी व्यंग किया गया है पढ़ाई पर बड़े भाई के द्वारा कि अगर ज्योमेट्री पढ़ाने वाले ने ये बता दिया कि इस लंब पर एक रेखा खींचो उस पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकलेगा और फायदा क्या है पढ़ने का, प्रयोजन क्या है, इसको सीख के हम करेंगे क्या, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा रह जाए मेरी बला से। बड़ा भाई काफी चिड़चिड़ा हो जाता था इस पढ़ाई के तौर तरीकों से। वो कहता है कि मेरी बला से दुगना हो जाए चाहे चौगुना हो जाए, ऐसी पढ़ाई किस काम की है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सारी खुराफात तो याद करनी ही पड़ेगी। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण और दिया है कि प्रायः परीक्षा प्रश्न पत्र पे लिखा रहता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। प्रायः हिंदी में पूछा जाता है और कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खेलोगे। अब उन्होंने कहा कि एक और कहा जा रहा समय के का पाबंद, यानी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, और परीक्षक ये पूछ रहा है कि चार पन्ने से कम मत लिखो, तो ये समय की पाबंदी कहाँ हुई, क्या इसमें बताया जाए, कौन कौन सी चीजें समेटी जाए। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो उन्होंने कहा है देखिए क्या लिखा है इसमें कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। एक तरीके से बड़ा अच्छा सा व्यंग है कि एक और समय पाबंदी की बात करते हैं, एक और कॉपी किताब खोल के हम बैठे रहे और चार पन्ने लिखने हैं, चार पन्ने में क्या भरे। तो कह रहे हैं उनके नाम से बैठ के रोइए, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। उन्होंने व्यंग किया कि संसार के जितने आदमी हैं सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य को समय की पाबंदी करनी चाहिए, वो मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इस पे चार पन्ने लिखे तो क्या लिखें, क्या लिखा जाएगा, क्या पूरे पन्ने पर यही भरना है, कहां से बात आएगी समय की पाबंदी। तो उन्होंने कहा कि कौन नहीं जानता कि अच्छी चीज है। तो इससे आदमी का जीवन संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। यानी उन्होंने बताया कि हाँ ये सारी चीजें होती, ये चीजें तो पांच लाइन में लिख दिया जाएगा तो उन चार पन्नों में क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई है इस तरह के उदाहरण दे दे करके छोटे भाई को डराता है कि जिस पढ़ाई को तुम बिल्कुल आसान समझते हो उस पढ़ाई को कितना तोड़ मरोड़ करके बच्चे के सामने पूरा करने को दिया जाता है, चाहे उसका कोई फायदा हो अथवा ना हो, लेकिन कार्य को करना है। तो ये यहां पर कहा गया है। फिर उन्होंने कहा कि चाहे जैसे लिखिए पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के,
फुलस्केप आकार के 4 पन्ने भरना, समय की पाबंदी पर उन्हें लगता है कि छात्रों पर बहुत बड़ा अत्याचार है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, 4 पन्नों से कम ना हो संक्षेप में लिखो, तो दोनों बातें आपस में मिलती नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर 4 पन्ना संक्षेप में है तो फिर विस्तार में कितना होगा। तो यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है। अब बड़ा भाई कहता है ये तो छात्रों पर किया जाने वाला भयानक अत्याचार है, जबरदस्ती है। अनर्थ तो यह है, कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अब उन्होंने कहा कि संक्षेप में कह के प्रश्न में दिया जा रहा है कि जो 4 पन्ने से कम ना हो, अगर ये संक्षेप में ना होता तो 100-200 पन्ना लोग लिखवा लेते समय की पाबंदी पर। तो लेखक ने एक बहुत बड़ा व्यंग किया है बड़े भाई के माध्यम से कि बड़ा भाई पढ़ाई के तौर तरीकों से कितना खफा है, नाराज है। उसे लगता है कि वो रात दिन आंख फोड़ू पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी पास नहीं होता। तो ये उसकी कमी नहीं है, शिक्षा प्रणाली की कमी है, शिक्षा देने के तौर तरीके की कमी है। उसे लगता है कि कैसे घर वाले बच्चों को बाहर भेज भेज कर पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षा का तौर तरीका बिल्कुल हटके है। जो चीजें हमारे जीवन में काम आने वाली नहीं है उन चीजों को हम पढ़ते रहते हैं। उन्होंने उसी शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया है कि कैसे इन अध्यापकों के बीच छात्र बिल्कुल फंस जाते हैं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि छात्र बच्चे होते हैं और दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। तो अध्यापक होने का मतलब बड़े भाई की भाई साहब की नज़र में ये था कि इन अध्यापकों के तौर तरीके में अंतर होना चाहिए, प्रश्नों के निर्माण में अंतर होना चाहिए। एक ओर कहा जा रहा है संक्षेप में पत्र लिखें और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि 4 पन्नों से कम ना हो। तो उन्होंने इसी शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया है कि लोगों की समझ में आजकल ये चीज़ें नहीं आती और उस पर दावा करते हैं कि वो अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब बड़े भाई ने लेखक से कहा कि अभी तो तुम छोटे हो, मेरे दर्जे में जब आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई का असली रूप क्या होता है। तो बड़ा भाई इस तरह छोटे भाई को डराता है और कहता है तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। तब उन्होंने कहा तब तुम्हें जाकर वास्तव में आटे दाल का जो भाव है वो तुम्हें पता चलेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पे पाँव नहीं पड़ते कि इस बार तुम्हारे अंधे के हाथ बटेर लग गई, अंधेरे में तुमने तीर मारा और तीर निशाना बैठ गया, तो ये मत जानो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें जिंदगी भर ऐसा ही करना है तो तुम्हें परिश्रम करना होगा और तुम जिस तरह से खेल रहे हो, कूद रहे हो, कनकौवे उड़ा रहे हो, उससे तुम्हें किसी भी दर्जे में तुम पास होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हो। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पे पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं पर तुमसे बड़ा हूं। आ गई ना वही बात कि लाख फेल हो गया हूं मगर मैं तुमसे बड़ा हूं, अनुभव में मैं तुमसे बड़ा हूं। मैंने जितनी दुनिया देखी उतनी तुमने अभी नहीं देखी है, तो तुम मुझे अपनी बराबरी में कभी नहीं खड़ा कर सकते हो।
चाहे मैं और तुम एक ही कक्षा में क्यों न पढ़ने लगे, फिर भी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। ये कहकर यहाँ पर लेखक ने बड़े भाई की भावनाओं को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बड़े और छोटे का अंतर हमारे यहाँ संस्कारों में दिया जाता है, कि बड़े का क्या छोटे के प्रति प्रेम, क्या दायित्व, तो क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को वो कैसे निभाता है, उसका एहसास उसको कितना है, ये सारी बात बताई जाती है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं पड़ते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। अब यहाँ पर अनुभव की बात की गई है कि संसार का अनुभव जो है बड़े भाई को ज़्यादा है, उसने ज़्यादा दुनिया देखी है और जिसके कारण वो जानता है कि अगर वो छोटे भाई को इस तरह से नहीं समझाएगा तो छोटा भाई खेलने कूदने में उसका मन बहुत लगता था, कनकवे उड़ाने का मन उसका हमेशा करता था, तो वो फिर जा कर के कभी सफल नहीं होगा। तो सफलता के रास्ते को यहाँ पर लेखक ने समझाने के लिए तमाम उदाहरण दिए कि रावण से शुरू करके विषयों के, ज्योमेट्री के, सब चीज के उन्होंने उदाहरण दिए कि देखिए स्थिति कितनी नाजुक है कि रात दिन परिश्रम करने वाला भी फेल हो जा रहा है। तो ये सारी बातें बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाई। तो अभी भी पाठ पूरा नहीं है, जिसके शेष अंश को मैं अगले वीडियो में लेकर फिर आपके पास आऊँगी। तो आज इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।